एक बेवकूफ नाई। ये कहानी है एक शहर पाटलिपुत्र की, जहां एक सौदागर मणिभद्र अपनी बीवी गायत्री के साथ रिहायश पजीर था। वो नहायत ही अमीर था। उसके पास खुद की काफी जमीनें थीं। वो अपनी हवेली में रहा करता था। सौदागर नहायत ही रहमदिल शख्स था। उसको अपने अमीर होने पर बिल्कुल भी गुरूर नहीं था। वो बहुत मेहनती था और उसकी बीवी काफी सखी थी। वो कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वे दोनों इसी बर्ताव की वजह से काफी मशहूर थे पूरे गांव में। जब भी कोई खास मौका आता तो वो दोनों सबको अपने घर बुलाते और उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो अपने मेहमानों को अपनी हवेली में कयाम करते, अच्छे से उनकी मेजबानी करते, उनको बेहद उम्दा तोहफों से नवाजते और गिज़ा पेश करते थे। देखो गायत्री, हमारे कितने खैरख्वाह मौजूद हैं। ये हमारा बुरे वक्त में साथ देंगे। वो हमको कभी भी भूखा और बेघर नहीं रहने देंगे। मुश्किल दिनों में अकेले भी नहीं रहने देंगे। ओह जान, आप कितने मासूम हो। आप उनकी मेजबानी करते हो, उन्हें सब कुछ देते हो बिना किसी मतलब के। पर ये लोग निहायत ही मतलबी है। वो यहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आते हैं। इनमें से कोई भी हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देगा। तुम ये बेवकूफ़ी की बात क्यों कर रही हो? वो हमारे लोग हैं। आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कभी भी गलत साबित ना हो। पर गायत्री का ये खौफ बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो गया। मुस्तकबिल ने उनके मुकद्दर में कुछ और ही लिखा था। मौसम गर्मा में सौदागर को एक दिन खबर मिली कि उनका बहरी तिजारती जहाज समुन्दर में खो गया। सौदागर ने अपने तिजारती बहरी जहाज की खूब तलाश की, मगर तमाम कोशिशें नाकाम रही। सौदागर को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब सौदागर ने अपने दोस्तों से मदद हासिल करनी चाही तो दोस्तों ने बहाने बनाकर मणिभद्र की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। क्या हो गया जान? क्या कोई दोस्त मिला जो हमारी मदद कर सके? नहीं, हर कोई अपनी अपनी मुश्किलों में गिरफ्तार है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। सौदागर की बीवी इस बात से वाकिफ थी कि उसके शौहर के तमाम दोस्त मतलबी और बहानेबाज हैं। वो जानती थी कि सौदागर इस बात पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने चुप्पी इख्तियार कर ली। सौदागर ने अब अपनी जमीन फरोख्त करनी शुरू कर दी ताकि वो उसके तमाम नुकसान की भरपाई कर सके, मगर वो फिर भी पैसों की किल्लत में घिरा हुआ था। फिर उसने अपनी हवेली को फरोख्त कर दिया और सारे नुकसान की भरपाई कर दी। पर अब वो एक गरीब शख्स बन चुका था। वो अब एक छोटे से झोपड़े में रहने लगा और किसी और की जमीन पर काश्तकारी करके अपना गुजारा करने लगा। उसकी बीवी मदरसे में बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि घर खर्च में थोड़ी आसानी हो। वो दोनों काफी मेहनत मशक्कत करने लगे। इतनी मुसीबतों के बाद भी सौदागर और उसकी बीवी लोगों के साथ वैसे ही रहमदिल तरीके से दूसरों की इज्जत किया करते। वो रोज इतना कमा लेते कि कम से कम एक मेहमान की खिदमत कर सके। पर अब उनके पास मेहमान को देने के लिए न ही कीमती तोहफे और न ही उम्दा गिजा थी। पर वो अपने हुस्ने सुलूक से हर एक के साथ पेश आते। यूं ही वक्त गुजरता रहा। अब सौदागर के दोस्तों ने उसके घर आना जाना छोड़ दिया। रास्ते में भी सौदागर को देखकर वो उसे नजरअंदाज कर दिया करते थे। मणिभद्र अपने दोस्तों के इस सुलूक से काफी गमगीन हो गया। तुम दुरुस्त थी गायत्री, वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं है। वो मतलबी लोग हमसे उम्दा तोहफा लेने आते थे और हमारे हुस्ने सुलूक का फायदा उठाते थे। काश मैं तुम्हारी बात मान जाता। मुझे माफ कर दो गायत्री, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जिससे मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जान, मैं आपके साथ बहुत खुश हूं। सिर्फ इसलिए कि हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी अच्छाई को खो दें। आप अपने असूलों पर कायम रहिए, देखना एक दिन आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। पर सौदागर अपने हालातों से इस कदर उदास था कि वो अपनी बीवी की बात मानने से कासिर था। ये मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मुझे दिली तसल्ली दे रही है। मैंने अपनी तमाम जिंदगी का सरमाया मतलबी लोगों के पीछे जाया कर दिया। अब मेरे पास अपने खानदान के लिए कुछ नहीं बचा। अब मैं कैसे अपनों का सामना करूं? सब गलती मेरी है। मैं इस एहसास से जुर्म को तमाम जिंदगी नहीं उठा सकता। अपने आप को लानत मलानत करने के बाद सौदागर गहरी नींद में सो गया। उठो, उठ जाओ मनी। ये क्या माजरा है और आप कौन है?
मैं तुम्हारा रहबर हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम्हें अपनी परेशानियों के सामने कमजोर दिल नहीं बनना चाहिए, उन मुश्किलों का सामना करो। मैं एक बेवकूफ शख्स हूँ, ऐसा से जुर्म की वजह से सामना नहीं कर सकता। तुम बेवकूफ नहीं हो, बेवकूफ वो होता है जो सच्चाई जाने बिना नतीजा अखस करने लगता है। ये क्या हो गया है तुमको, एक हादसे की वजह से इस कदर टूट गए? मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्यों मदद करेंगे? तुम्हारी बीवी दुरुस्त थी, तुम्हारी सच्चाई और शदीद मुशक्कत की वजह से मुझे तुम्हारी मदद के लिए आना पड़ा, यही तुम्हारा इनाम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगा, इसी शक्ल में आकर। तुम एक लकड़ी से मेरे सर को छूना, लकड़ी छूते ही मैं सोने में तब्दील हो जाऊंगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पर याद रखना, किसी ब्राह्मण को तुमसे चोट ना पहुंचे, वरना तुमको उसकी सजा मिलेगी। कैसा अजीब ख्वाब था, कल रात मैं पैसों को लेकर काफी परेशान था। जैसे ही सौदागर ने उठकर दरवाजा खोला तो उसने ब्राह्मण को अपने घर की जानिब से गुजरता हुआ पाया। क्या ये वो? अरे नहीं, उन्होंने तो कहा था कि वो अपने असली शक्ल में सामने आएंगे। ख्वाब हो या हकीकत, मुझे बिना सोचे ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ये कहकर जैसे ही मणिभद्र अपनी खटिया पर बैठा, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ओह, कौन हो सकता है, ख्वाब वाला ब्राह्मण? नहीं नहीं जनाब, मैं तो नाई हूँ, आपने ही तो मुझे बुलाया था। अरे हाँ, मैंने ही बुलाया था, अंदर आ जाइए। और जैसे ही मणिभद्र अपने बाल कटवाने के लिए बैठा, दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। सुनिए जान, यहाँ कोई ब्राह्मण आए हैं, बताइए मैं इन्हें क्या दूँ। क्या ब्राह्मण, जाओ जल्दी से एक लकड़ी लेकर के आओ। क्या लकड़ी? तुमको सारी बातें दरियाफ्त नहीं कर सकता, जाओ जल्दी जाओ। बिना बाल कटवाए ही सौदागर ने सपने में कही ब्राह्मण की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। सौदागर ने लकड़ी को हाथ में थामा और ब्राह्मण की तरफ तेजी से बढ़ा। उसने सर को जैसे ही लकड़ी से छुआ, अचानक अरे ये क्या हुआ, इतना सारा सोना? हाँ, अब हम गरीब नहीं रहे। अपनी खुशी में सौदागर और उसकी बीवी ये भूल गए कि उनके घर में नाई अभी भी मौजूद था, जो ये सारा नजारा देख रहा था। ओह, तो इस तरह सौदागर अमीर बनता है, ये तो जरा भी मुश्किल नहीं है। अगले ही दिन नाई ने एक मंसूबा बनाया, वो उस जगह पहुंच गया जहां ब्राह्मण रहा करते थे और उन्हें अपने घर तशरीफ लाने को कहा। ब्राह्मण पहले तो हिचकिचाए, मगर बाद में उन्होंने उसकी बात मान ली और नाई के साथ उसके घर की जानिब चल पड़े। और जैसे ही ब्राह्मण उसके घर में दाखिल हुए, उसने झट से कड़ी लगाई और लकड़ी के जरिए उनके सर के पिछले हिस्से में मारने लगा। ओ नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई हमें बचाओ, ये आदमी पागल हो गया है। भागो यहाँ से, ये हमारी जान ले लेगा। एक ब्राह्मण वहाँ से भागा और लोगों को अपनी मदद के लिए बुला लाया। लोगों ने नाई के घर का दरवाजा तोड़ दिया और ब्राह्मण को बचा लिया। नाई खौफजदा था, लोग बेहद गुस्से से नाई को देख रहे थे। उन्होंने नाई को धक्का मारकर अपने गांव से बेदखल कर दिया और दोबारा यहां पर ना दिखने की धमकी भी दी। सौदागर और उसकी बीवी ये सारा नजारा मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ख्वाब वाले ब्राह्मण ने सच कहा था, बेवकूफ वो होता जो पूरी बात जाने बगैर उस पे अमल करता है। बेवकूफ नाई ने सिर्फ ये देखा, मेरे लकड़ी छूते ब्राह्मण सोने में तब्दील हो गया। उसने सिर्फ बिखरा हुआ सोना देखा, पर मेरे ख्वाब की सच्चाई से नावाकिफ था। उसने बिना सोचे बेवकूफी की हरकत कर दी, जिससे उसको इस हरकत की सजा मिली।